बीते दिनों पाली थाना क्षेत्र के बंधवा बारा में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई थी। इस मामले में पुलिस ने लाश के आसपास मिले सबूतों के आधार पर अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक युवक अभी भी फरार है। मामला उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बंधवा बारा का है, जहां पर बीते दिनों सड़क के किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसमें सबूतों के आधार पर पुलिस जांच प्रारंभ कर दी थी। वहीं अब पुलिस आरोपियों तक पहुंच भी गई। साइबर सेल द्वारा पुलिस ने आरोपियों को छत्तीसगढ़ पहुंचने से पहले धर लिया। फिर भी अभी तक एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश जारी है। तो फिर हमने सघन रूप से उनकी तलाश करवाई तो रवि सोनी, सानू कोल और दीपक, इन तीनों को अरेस्ट किया। और जब उनसे पूछताछ करने की गई तो उन्होंने बताया कि आपसी रंजिश और वर्चस्व को लेकर इतनी सारे आपराधिक प्रवृत्ति के थे और नशे में थे सारे। इन तीनों चारों वजहों की वजह से उन्होंने इसकी हत्या कर ली। सानू कोल ने उसमें चाकू से वार किया गया, फिर उसको पत्थर से कुचल दिया गया और उसके बाद कुछ देर तक उसको बसरी पसीट के और फिर उसको छोड़ के उसका जो एक्टिवा था वो लेके, जो अभी एक आरोपी फरार है वो उसके उसको लेके चला गया। और ये लोग अपने घर रात में लेकर सुबह घर में पहुँचे और फिर इन्होंने सूचना पर जब इनको पता चला कि पुलिस इनको ढूंढ रही है तो उन्होंने बहुत कोशिश की फरार होने की। उसमें से दो लोगों को हमने छत्तीसगढ़ बॉर्डर से जाकर पकड़ा और अभी तीनों को हिरासत में लेके भेज दिया गया है। एक अभी जो है वो फरार है, उसको भरपूर कोशिश जारी है। एक तो पूरी कंपनी उसका रेस्ट किया।